आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में देखेंगे तो काफी सारे न्यूज ट्रेंड हो रहे हैं, काफी सारे सीक्रेट प्लान्स ट्रेड हो रहे हैं, इन सभी ट्रेंडिंग न्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज हमने देखा कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की एक्विजिशन अराउंड 12,000 करोड़ की हुई थी और वो 90 डे के एक्विजिशन के बाद अगेन देखेंगे कि ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ओवरऑल इस प्लांट के जो कैपेसिटी है 1.1 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी है जो पिछले 2 ईयर से बंद था। इस समय देखेंगे एक्विजिशन के 90 डेज के बाद ही इसकी ऑपरेशन को स्टार्ट कर दी गई है और इस समय इसको डेडिकेटेड किया गया है 4.5 मिलियन टन पर एनम लॉन्ग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जिसको कि ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर में कर दिया जाएगा। इसके बाद का एक अगेन न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखा है कि टाटा स्टील ने अपने स्टेक्स को कट किए हैं ओमान एएल माइनिंग रिमल माइनिंग के अंदर, जो कि 70% के आसपास का हुआ करता था, इस समय 51% का है, यानी 19% के स्टेक को कट कर दिया गया है। इस समय कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव इविटा को इंक्रीज करने के लिए जितने भी इसके सब्सिडरीज थे, जितने भी ज्वाइंट वेंचर थे, जहां जहां भी लैगिंग दिख रहा है, कंपनी या तो अपने स्टेक को कम कर रही है या फिर मर्ज कर दे रही है। इस समय हमने 7 मेगा मर्जर देखा जहां कंपनी ने अपने अलग अलग जो इसके कंपनी के जो स्ट्रक्चर थे उसको साथ में विलय कर लिया। टीआरएफ, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टाटा मेटेलिक जैसे स्टॉक्स को हमने देखा कि एक ही कंपनी में विलय करने की घोषणा की गई है। इन सभी न्यूज के बाद भी पिछले कई दिनों से स्टॉक अंडर परफॉर्म है, लेकिन इस समय अगेन स्टॉक का ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है। इस समय जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो 96-98 के नीचे के एसएल को फॉलो करेंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट 112 का होना चाहिए और अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो 140-150 तक के लेवल्स भी इजीली दिखने वाला है।